अरे कौन है रे तू, और मेरे घर के सामने ऐसे हंस क्यों रहा है? रुक जा तू। रुक अभी तू। रामू, ए रामू, तू यहाँ बैठे बैठे सो रहा है? अरे कौन है रे तू? है कौन है, क्या कर रहा है यहाँ पर? अच्छा, मुझे देखकर हंस रहा था हाँ? उसे छोड़ना मत रामू, उसे कान पकड़कर अंदर लेकर आ, मैं उसे मजा चखाती हूँ अभी। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे बंदूक बंदूक, तुझे बंदूक कहाँ से मिली? अरे बाप रे! मेरे साथ इस तरह की शैतानी आज बच के कहाँ जाएगा बच्चू? रुक जा, ए रुक, कहाँ जा रहे है? अगर नहीं रुका तो तेरी बंदूक से तुझे ही गोली मार दूंगा। एक पागल को पागलपन से ही पकड़ लिया, अब चल मेरे साथ चल। देखा आपने, आपको देखकर कैसे दांत दिखाकर हंस रहा है ये? मुझे ऐसा लगता है कि इसे हंसने की बीमारी है। चल, चल, यहाँ क्यों आया है तू? सच सच बता, चल बता वरना पुलिस को दे दूंगा, चल। आम खाना है? ओहो हो, बेचारा, वो आम खाने आया था और तू उसे ऐसे चोर समझकर पकड़ कर ले आया। जा रामू जा, घर में जितने भी आम जामुन रखे हैं, एक प्लेट में लाकर उसे अभी दे दे, जा। क्या? अब तक तो मालती की बेटी की शादी, पप्पू के स्कूल की किताब, बिट्टू का जन्मदिन, ये सब क्या करते थे आप? पर अब एक पागल को घर के दामाद की तरह मान सम्मान के साथ आम और जामुन खिलाएंगे। खुद खाकर दूसरों को देने की बात तो मैंने सुनी थी, पर दूसरों को पकड़कर लाकर अपना सब कुछ खिलाना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे रामू, कुछ लीचियाँ भी लेकर आना, बेचारे का चेहरा देखकर लग रहा है इसे लीची खाना बहुत पसंद है। हाँ ठीक है मालिक। आप रहिए रामू और इस पागल आदमी के साथ, बड़े आए दानवीर बनने, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे अब इस घर में। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है रामू? जा जाकर इसके लिए आम जामुन लीची सब लेकर आ। सुनो, आज से तुम इसी घर में रहोगे समझे, और रामू के साथ मिलकर बागीचे का काम करना, समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुम्हें किस नाम से बुलाऊं बेटा, कोई नाम है तुम्हारा? है? लल्लू। कितने सुंदर बैंगन हुए हैं। अरे रामू, अरे लल्लू, कहाँ हो तुम दोनों? जरा आकर देखो तो सही कि कितने प्यारे छोटे छोटे से बैंगन हुए हैं पौधों में, देखो। पर मालिक, मालिक लल्लू घर में नहीं है मालिक। घर में नहीं है मतलब? अगर घर में नहीं तो वो जाएगा कहाँ? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया मालिक, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्या कह रहा है, तो फिर वो गया कहाँ? पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, न जान न पहचान, बस उठाकर इसे ले आए और घर में रख लिया। हमारी किस्मत अच्छी थी जो कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में लल्लू से बहुत लगाव हो गया था, पता ही नहीं कि वो गया कहाँ और क्यों गया। एक जाएगा तभी तो 10 आएंगे ना मालिक। देखिए, आपने जैसा जैसा कहा था ठीक वैसा ही अखबार में छपवाया है मैंने। छप गया? जरा दिखा 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 मुझे। 25 साल से 45 साल के बीच थोड़ा कम दिमाग वाला मेहनती आदमी चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। और लिखा है उन कम दिमाग वालों में से इंटरव्यू के दौरान एक का चयन किया जाएगा और उसके रहने खाने की जिम्मेदारी ली जाएगी। वाह 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 वाह,
बहुत बढ़िया, अब अखबार में विज्ञापन भी दे दिया आपने। रही आप अपने पागलों के साथ इस घर में, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मालकिन को रोकिए मालिक। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है रामू, आज भी नहीं रोकूंगा। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो लौट आएगी। अगर मालकिन नहीं आई तो हमारा खाना कौन पकाएगा मालिक? बोलिए, आपके कपड़े किताबें ये सब कौन संभालेगा? आपको आपकी दवाइयाँ भी तो मालकिन ही देती है। अगर मालकिन नहीं लौटी तो मालिक क्या होगा बताइए, बोलिए। चुप, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, वो कैसे होगा? जो इंटरव्यू पास करेगा वही ये सब कुछ करेगा, समझा? नेक्स्ट। पलाश कुमार गोंड, अंदर आओ। मजाक हो रहा है क्या? जी अभी तक तो मजाक शुरू ही नहीं किया है मालिक, अब करूँ क्या? पागल, कम दिमाग वाले लोग घर में घुसते ही प्रणाम करते हैं क्या? हा? तुम्हें क्या लगा कि कौन असली पागल है और कौन नकली है, मैं पहचान नहीं पाऊंगा? आप यकीन करिए मालिक, मैं पागल हूँ। मेरा बाप पागल है, मेरा दादा पागल है, मेरी तो सातों पीढ़ियां ही पागल है, पागल। अरे भाग जा यहाँ से। चलो नेक्स्ट। वरुण कुमार, अंदर आओ। तुम पूरी तरह से पागल हो, इसका क्या सबूत है? जी, जैसे असली सोने की चीज में हॉल मार्क होता है, मेरे शरीर में भी वैसे ही पागल मार्क है, देखिए। अरे ये दाग कैसे हो गया? जी, बाथरूम में गंदगी की सफाई करते हुए कपड़े गिर गए थे। अरे, पर तुम्हारे शरीर में निशान कैसे पड़ गया? ये लीजिए। अरे उन कपड़ों के अंदर मैं भी तो था ना। मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये भी चालाक बेवकूफ है, जाओ नेक्स्ट। रामचंद्र गुप्ता, अंदर आओ। तुम पढ़ना लिखना जानते हो? आई एम डॉक्टर। अरे बाप रे, किसका इलाज करते हो तुम बताओ? सभी का। अब आप ना उस दिन की बात ले लीजिए, रास्ते से जा रहा था तो देखा कि दीवार बहुत जोरों से रो रही थी, उसे कानों से सुनाई नहीं दे रहा क्या? था। क्या? दिमाग को सुनाई नहीं दे रहा था? फिर उसके बाद क्या हुआ? दरअसल सर, जन्म से ही उसके कानों में छेद नहीं था ना, बस हथौड़े से मारकर मैंने उसमें एक छेद कर दिया तो हो गया काम। वाह, ये हुई ना डॉक्टरों वाली बात। तो क्या उसके बाद दीवार को सुनाई देने लगा? अब उस सैड न्यूज के बारे में आपको क्या बताऊं सर, कान में छेद होते ही दीवार ने सबसे पहले जानते हैं क्या सुना? उसे कान देने वाले की रोने की आवाज। पर वो क्यों? मैंने दीनू बाबू की दीवार में छेद कर दिया था ना, इस वजह से उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। बाप रे बाप, क्या बताऊं सर। अब जाकर मुझे काबिल इंसान मिला। हाँ रामचंद्र, तुम पागल और कम दिमाग वाले लोगों में पास हुए हो, आज से तुम यहीं रहोगे, तुम्हारे खाने रहने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक्स ऑफ यू सर, थैंक्स ऑफ यू। आपके यहाँ के सभी के इलाज की जिम्मेदारी आज से मेरी हुई सर, मेरी है। मालिक, मालिक। क्या हुआ, क्या इस वक्त क्या चाहिए तुम्हें? ऊपर के कमरे से पता नहीं कैसे खटखट की आवाज आ रही है मालिक। आवाज आ रही है तो आने दे, कल सुबह उठकर देखूंगा। ऊपर वाले कमरे में तो रामचंद्र है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप। रामचंद्र जरूर दीवारों के कान की जांच कर रहा होगा। पागल कहीं का। अनर्थ हो गया मालिक, अनर्थ हो गया। क्या 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 हुआ, क्या है? आप ऊपर चलकर देखिए मालिक, रामचंद्र ने कैसे दीवारों के कान की जांच की है। चलो चलकर देखूं जरा रामचंद्र का कांड। चलो चलो चलो। ये क्या हुआ? सत्यानाश हो गया मालिक, आपकी अलमारी खाली कर गया।
इसमें क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़िए, मैं भी सुनूं मालिक। इसमें लिखा है, मालिक के रहते उनकी नजरों से बचकर मैं एक तिनका भी आपके घर से हटा नहीं पाया था, इसलिए हार कर लौट गया था। उसके बाद जब मैंने देखा कि आपने अखबार में विज्ञापन दिया है, तो मैंने सोचा कि अलग रूप बदल कर अपनी किस्मत को फिर से जांच लूं। आकर देखा तो मालकिन घर में नहीं थी। मुझे पता चला कि अलमारी के पेट में बहुत गंदगी जमा हो गई है, इसलिए इस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सब साफ कर दिया। आपका प्यारा लल्लू उर्फ रामचंद्र। सत्यानाश हो गया। जल्दी गाड़ी निकाल रामू, अभी के अभी तेरी मालकिन को लाने जाऊंगा। जी, वो पागल डॉक्टर वो भी ले गया मालिक, बस से ही चलिए। हाँ,